Assalamu alaikum. This is our lecture number 12, science class 7, chapter number 3, reproduction. Today's diary, classwork. हम आज करेंगे दो तरह के काम, explanation of exercise on page number 32 plus 33 and explanation of short answers. तो आपने homework में क्या करना है, आपने homework में एक्सरसाइज जो है वो बुक पर सॉल्व करनी है और शॉर्ट आंसर अपनी क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व करने हैं, राइट करने. ओके, एक्सरसाइज. सो कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म. नंबर वन, इट प्रोटेक्ट्स अ सीड. सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रूट. मेल एंड फीमेल सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स. द एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन्स बिटवीन टू प्लांट ऑफ सिमिलर टाइप. दो एक ही तरह के प्लांट्स के बीच में जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है सो बेसिकली वो क्रॉस पोलिनेशन होती है. मोस्ट ग्रासेज आर पोलिनेटेड बाई विंड. ज़्यादातर जो ग्रासेज होती हैं वो विंड से पोलिनेशन करती हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर. ओवरी में ये मौजूद होता है और डिवेलप हो जाता है इन टू द सीड. तो वो है ओव्यूल और एग. इन सर्कल द करेक्ट encircle the correct answers in the following. Number one, the part of a plant that forms seed is the. So वो part of the plant जो seed की formation करता है वो है flower. Then When a bee visits a flower, जब bee जो है वो flower को visit करती है so क्या करती है then bee जब flower को visit करती है तो जो pollen grains हैं वो stick कर जाते हैं उसकी body पर. so the option C is correct. encircle these options. then which structure is helpful to the pollen grains to carry sperm to the ovary. cotyledon carpel, pollen tube or stigma. so your answer is pollen tube. pollen tube basically help करती है pollen grains की कि वो ovary तक पहुंच जाए. so your C option is correct. so the next one, label the parts of the flower and write the purpose of each plant part. so जो हमारे पास इन्होंने अब आपको पेज नंबर 33 पे एक पिक्चर दी है उसके प्लांट उसके पार्ट्स को हमने लेबल करना है. तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट है आपका जो मैंने ग्रीन एरो से शो किया है बेसिकली ये है सेपल. एंड जो आपका मैंने ब्लू पार्ट्स एरो से शो किया है वो है स्टाइल. देन जो मैंने आपके रेड पार्ट से एरो से शो किया है वो है पेटल्स. और जो ऑरेंज एरो से शो किए हैं वो हैं उस ऑरेंज एरो से शो किए हैं वो हैं एंथर. ठीक है जी. तो सबसे पहले जो है हम आपने नीचे आपके नीचे स्पेस भी दी गई है और 1, 2, 3 भी लिखा गया है. तो नंबर 1 पे आपका है सेपल. तो सेपल का आपने बताना है कि सेपल बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को फ्रॉम रेन सन जब वो बड फॉर्म में होता है. एंड नंबर 2 पेटल्स हैं. पेटल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेटर्स को फॉर पोलिनेशन. देन नंबर 3 पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं एंथर में. ये थर्ड नंबर एंथर लिखा है. तो एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. देन स्टाइल जो है वो बेसिकली हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स की कि वो ट्रांसफ़र हो जाएं थ्रू पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी. ठीक है जी. तो ये आपने चारों का लिख देना है. तो नंबर जो आपको मैं दोबारा बता रही हूँ जो ग्रीन एरो है वो बेसिकली सेपल को शो कर रहा है. जो ब्लू है वो एरो शो कर रहा है स्टाइल को. जो रेड एरो है वो पेटल को शो कर रहा है. और जो एंथर है वो ऑरेंज को शो कर रहा है. तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से लेबल कीजिएगा.
और नीचे जो आपने ऑप्शंस लिखनी है वो प्रॉपर सेंटेंस में करना है आपने. गिव शॉर्ट आंसर्स या आपने अपनी कॉपी पर करनी है, क्लास वर्क कॉपी पर. सो सबसे पहले आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिक आप एक बीच में लाइन लगाएं, एक तरफ हेडिंग दे दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ दे दें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ जायगॉट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक गैमेट एक पेरेंट से, और वो जायगॉट की फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर कंबिनेशन. सो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने इधर इसकी डेफिनेशन लिखनी है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ आपने हेडिंग दी होगी सेकेंड साइड पर, उधर आपने लिख देना है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट डिवेलप्स इन टू ऑफस्प्रिंग, जिसमें एक सेल एक ही पेरेंट से डिवेलप कर जाता है एक पूरे जानदार में, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन योर क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट आर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स कौन से हैं. तो अगर आप इट्स बेटर कि आप बीच में लाइन लगाएं, एक तरफ लिख दें मेल पार्ट्स और एक तरफ लिख दें फीमेल पार्ट्स. तो मेल पार्ट्स में बेसिकली आ जाता है एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट. वाइल का जो फीमेल पार्ट आता है उसमें आ जाता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ठीक है जी. तो जो मेल पार्ट है उसमें मेल पार्ट्स हैं वो दो हैं और जो फीमेल पार्ट्स हैं वो थ्री हैं. और अगर आप चाहें तो आप इन्हें एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे स्टेमन, क्योंकि आप स्टेमन और कार्पल को भी लिखेंगे तो इट्स बेटर कि आप स्टेटमेंट में लिख दें स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दे कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट, वाइल कार्पल आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दे कंसिस्ट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. ये ज़्यादा बेटर होगा तो आप इसको लिख दीजिएगा. देन डिफाइन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द फ्लावर एंड द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. देन नेम अ फ्यू पॉलिनेटर. हमें कुछ पॉलिनेटर्स के बारे में बताना है तो आपकी बुक में दिया गया है कि पॉलिनेटर्स नेम ऑफ द फ्यू पॉलिनेटर्स आर विंड इंसेक्ट्स वाटर बर्ड्स एंड मैनी अदर. जो आपको अपनी बुक में इजीली मिल जाए आप वो सब लिख सकते हैं. सो मिनिमम फोर होने चाहिए एंड मैक्सिमम जो आप जितने आपको अंदाजा हो. एंड देन डिफाइन अ स्पर्म एंड एन एग. तो सबसे पहले आप स्पर्म की हेडिंग देंगे और इसका आंसर वेरी सिंपल, द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म. देन आप एग की हेडिंग देंगे एंड देन आप लिखेंगे द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एन एग. और जब आप हेडिंग देते हैं तो हेडिंग देने के बाद आपने उसका जो डेफिनेशन है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में लिखनी होती है. इसी तरह जब आप सेकेंड हेडिंग देंगे उसकी भी आपने डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन में लिखनी होगी. सो योर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच पार्ट्स ऑफ अ सीड डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट. फर्स्ट रूट वो कौन सा पार्ट है जो रूट में चेंज होता है. सो बेसिकली दैट पार्ट इज नोन एज रेडिकल. द पार्ट ऑफ अ सीड विच डिवेलप इनटू द फर्स्ट रूट इज कॉल्ड रेडिकल. सो होप सो क्लास आज का काम आपको समझ आया होगा. अगर कुछ भी इशू हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा. अपना काम कंप्लीट करके टाइम पर प्लीज़ सेंड कीजिएगा सो दैट आई विल चेक इट. थैंक यू वेरी मच.